Hello student, today you are going to learn the next topic of hydrocarbon, that is the unit alkane and isomerism. In the previous video, we discussed about the definition of alkanes, general formula and isomerism, different type of classification of isomerism. Now, the topic today we are going to learn is connected with the previous video. And what is the definition of alkane? Alkanes are aliphatic. What is meaning of aliphatic? Aliphatic meaning open chain, means like this. Saturated means they have the single bond only. And hydrocarbon. Okay, all the three words. आपको ये पता चाहिए कि aliphatic है ना? यहाँ पे ring नहीं है, open chain compound है. Saturated है ना? सिर्फ single bond रहेगा. Carbon single bond, carbon ऐसा यहाँ पे रहेगा. और क्या है? Hydrocarbon. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं. क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है. और ये कार्बन को ये जो तीन हाइड्रोजन अटैच है, इसे सिंगल बॉन्ड से अटैच है. जो यहाँ पे हमने थोड़ा सेमी कंडेंस फॉर्मूला दिखाया है, तो इस तरह से ये डेफिनेशन हो जाएगी. कंटेनिंग कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड सी एच कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, यानी दोनों भी सिंगल बॉन्ड ही रहेगी, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन. इन दिस मैनर दिस इज डेफिनेशन. देन जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2, जो कि हमने पहले देखा है. और वहां n की कीमत क्या है, n का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. और यहां से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर हम फिलअप करते हैं तो एक सीरीज मिल जाएगी हमें, जिसे हम होमोलोगस सीरीज करेंगे. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे इतने आपको पता चाहिए हेक्सेन तक के. तो भी इसमें एक कार्बन एटम, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, आप ये घर में लिख के देखो उनके नाम, और जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, पढ़ चुके हैं, वो फिर से आप रिवाइज कर सकते हो. देन आइसोमेरिज्म इन अल्केन. तो आइसोमेरिज्म आपको पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस यहाँ पे हमने पढ़ा है आइसोमेरिज्म में. पर अल्केन में सिर्फ एक ही टाइप का दिखेगा, कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी चेन, यानी वो जो चेन का पैटर्न होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. जैसे यहाँ पे दिखा है कि ये स्ट्रेट चेन है, या कोई भी ब्रांचिंग नहीं, तो उसको नॉर्मल और एम पेंटेन ऐसे कहते हैं. यहाँ आइसो है, तो यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच है कार्बन को, ये आइसो ग्रुप है, आइसो ग्रुप, तो वो हो गया आइसो. और कॉमन नेम में क्या होता है? ऑल द कार्बन आइटम्स आर काउंटेड, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, है ना? तो ये 5 है ना, क्या हो गया? पेंटेन. और ये आइसो टाइप का ग्रुप है, इसलिए आइसो पेंटेन. ये किसमें होता है? कॉमन में. और IUPAC में क्या होता है? हमेशा स्ट्रेट चेन में टोटल जितने कार्बन आइटम होते हैं वो पेरेंट अल्केन होता है. जैसे यहाँ देखिए, ये CH3 एक अलग हो गया ब्रांची, और ये 1, 2, 3, 4 है ना ब्यूटेन. और दो नंबर पे हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये पास में आता है ब्रांची, इसलिए. तो सेकेंड नंबर पे क्या है? मिथाइल है, और ये ब्यूटेन, 2-methyl-butane. इसी तरह इसका भी हम नाम देंगे, तो ये 1, 2, 3 हो जाता है, एक और ये एक. दो पे क्या है? मिथाइल, मिथाइल दो बार है, इसलिए 2-2-dimethyl, डाई ट्राई, ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं अगर ज्यादा रहते तो. और 1, 2, 3 है स्ट्रेट पे, तो प्रोपेन. ये हो गया IUPAC. IUPAC और कॉमन, देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे पेंटेन है और यहाँ पे फिर प्रोपेन क्यों है. तो IUPAC में क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट चेन काउंट करता है, और जो ब्रांचिंग है उसको अलग नंबर और नाम से अलग मेंशन करते हैं. और कॉमन नेम में क्या होता है? ऑल द कार्बन एटम्स आर काउंटेड, जैसे यहाँ पे न्यू टाइप है, ये जो कार्बन है ये 4 कार्बन को अटैच, इसे न्यू पैटर्न का कार्बन कहते हैं. और पेंटेन है, यानी पूरे 5. ओके, तो इस तरह हम आइसोमेरिज्म यहाँ देखेंगे. क्या है आइसोमेरिज्म अल्केन में? दे शो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मींस दे हैव द सेम. वो पूरा भी डेफिनेशन वो तो याद ही रखनी है, जो पुराना पढ़ चुके हैं वो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है. तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की? द आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, सो द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और ये पेंटेन का एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया हुआ है, जिसके आधार पे आप ये 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो. देखिए, अब यहाँ पे पेंटेन देखा, घर में आपको क्या लिख के देखना है? ब्यूटेन का देख सकते हैं. प्रोपेन ऑनवर्ड्स आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, प्रोपेन तक ही नहीं है, फिर ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेटिकेन, तो बढ़ते बढ़ते ही जाएंगी संख्या, है ना? आइसोमेरिज्म के हिसाब से जो आइसोमर्स है वो बढ़ती जाएगी, जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी. तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का, जिसमें कि हमने डेफिनेशन देखे, फर्स्ट मेंबर्स देखे, और टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा है. In the next video, we will discuss the next part, that is the
प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, और जो कंफर्मेशन है वो पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो फिर से रिपीट नहीं करेंगे, जो कि बुक में फिर से रिपीट दिया हुआ है. ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो बी रेडी फॉर लर्निंग दी नेक्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स.